जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर वाड़ी नागपुर एल्युमिनियम के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक R&D केंद्र और खान मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय ने सोमवार 11 जुलाई 2022 को प्राइम्स SAM प्राइवेट लिमिटेड PSPL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। PSPL एक भारतीय स्टार्टअप मान्यता प्राप्त MSME प्रमाणित कंपनी है जो खनिज और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास, लाभकारी कार्यक्रमों में विशेषज्ञता, ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक, GPS आदि में शामिल है। GNA RDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री और PSPL के MD और CEO मधु के नायर ने MT निमजे, HOD आर श्रीवासन, JNARDDC के सीनियर एडमिन ऑफिसर और रंजन सहाय PSPL के निदेशक और आदित्य सिंह वरिष्ठ प्रबंधक निगरानी कोयला नमूनाकरण और विश्लेषण के साक्षी में MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास और विश्लेषणात्मक सेवाओं के क्षेत्र में दो प्रमुख खिलाड़ियों को स्थायी खनन के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लाभकारी वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक गतिविधियों को स्थापित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कोयला और लिग्नाइट सहित विभिन्न खनिजों में दीर्घकालिक सहयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास और पारस्परिक हित और क्षमता निर्माण की परियोजनाओं को लाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य विश्व स्तर के धातु और खनिज अनुसंधान और विश्लेषणात्मक केंद्र को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना है, जो भारत में अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण होगा। केंद्र देश भर की विभिन्न खदानों से विशेष रूप से लिग्नाइट और कोयले के लिए विभिन्न खनिज पायलट लाभकारी संयंत्रों के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खनिज विज्ञान केंद्र की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का कार्य करेगा। JNARDDC के संयुक्त सहयोगी कार्य न केवल केंद्र को और विविधीकरण के लिए प्रेरित करेंगे बल्कि इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। JNARDDC सभागार में आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर JNARDDC के सभी कर्मचारी और PSPL के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। जो अभी साथ का ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, हम लोग भी एक कंपनी स्टार्टअप इंडिया कंपनी में है, तो हम लोग भी रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी हमारा एजुकेशनल साइड में है, नॉलेज पार्टनर्स बनते रहते हैं। कई साहब के साथ, कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े रहते हैं ताकि अपन क्या क्या चीज़ को कितना तक ऊंचा तक लेके जाता है। जहाँ तक JNARDDC का बात है, देखो इंडिया का सेंटर में है, एक हिसाब से वर्ल्ड का सेंटर बोलता हूँ मैं। वर्ल्ड का सेंटर इसीलिए बोलता है कि आज आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा एक जगह में सबसे अच्छा लैबोरेटरी रिसर्च सेंटर इधर ही रहना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस हम दोनों का जम गया था, तो जहाँ थॉट प्रोसेस जम गया वहाँ काम आगे बढ़ा दिया, उस तरीक़े से आज का ये प्रोग्राम हुआ। निदेशक जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जिसको JNARDDC बोलते हैं, ये एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में। दिस इज़ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर एल्युमिनियम। बट अब धीरे धीरे भारत सरकार ने बोला है कि हमारी डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे कम होनी चाहिए। वह बजट को धीरे धीरे कम करते हैं और चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होएं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। एक सेल्फ सस्टेनेंस की जो मुहिम चली है सारे ऑटोनमस बॉडीज़ के लिए, हम भी उसका पार्ट हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी मुलाकात मिस्टर मधु नायर से हुई, तो एक विन विन सिचुएशन है कि उनको एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी जो कि हमारे काम को और बढ़ा सके, हमारी मार्केटिंग कर सके और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी आगे बढ़ा सके। नंबर एक, हम एल्युमिनियम छोड़ के भी अलग मेटल में जाना चाहते थे। ऑलरेडी हम लोग कोल के रेफरी लैब हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रेफरी लैब नॉमिनेट किया हुआ है, हम कोल का काम कर रहे हैं। पर रेफरी लैब में सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं होते, हमारा काम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जैसे कि हमारे पास सेटअप है। तो नायर साहब से बात हुआ, इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है कोल के क्षेत्र में, तो हम लोग ने हाथ मिलाया कि उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और टेक्नोलॉजी और R&D को न सिर्फ एल्युमिनियम
अलग मिनरल्स और मिनरल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास लैंड है तो उनके पास कई आइडिया है, पायलट प्लांट भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो इट्स मोर और लेस एक जिसको बोलते हैं ना PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है, और रिसर्च एनालिसिस टेक्नोलॉजी सबको आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने आज ये MOU साइन किया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये आगे ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू। VKB न्यूज 30 वाड़ीतून विलास मांडेकर की रिपोर्ट। VKB न्यूज के लिए वाड़ी से विलास मांडेकर की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।